दूसरा अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं, वह मुझे बताइए। भगवान केशव कहते हैं, हे गरुड़, पापी के लिए यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। तुम मेरे भक्त हो, फिर भी इसका वर्णन सुनकर तुम्हारे हृदय कंपायन हो जाएगा। रास्ते में विश्राम करने के लिए वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं है, तथा प्राणों की रक्षा करने के लिए अनादि प्राप्त नहीं होता। अत्यंत प्यास लगने पर भी प्राणी को जलपान भी नहीं प्राप्त नहीं होता। प्रलय काल की भांति बारहों सूरज तपते रहते हैं। उस मार्ग में शीतल हवा से पीड़ित होते हुए पापी मनुष्य को जाना पड़ता है। कांटे तथा विषधर सर्पों से वह मार्ग आवेशित रहता है। कहीं कहीं पर पापी मनुष्य को बड़े भयानक वैभव शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं। कहीं पर बिच्छू काटते हैं तो कहीं अग्नि जलती है। कहीं पर भयानक असिप्त पन्न का वन है, वह सहस्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सर्दों तथा मच्छरों से भरा हुआ है। उसके चारों ओर दावागिन व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव को उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। किन्हीं पर वह अंधे कुएं में गिर पड़ता है। कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं तलवार की धार पर चलता है, तो कहीं कीलों पर ऊपर चलता है। कहीं पर घने अंधकार में गिर पड़ता है, कहीं भय उत्पन्न करने पर वाले पानी में गिरता है, कहीं जोकों से भरी हुई कीचड़ में गिरता है, तो कहीं सतप्त कर्दम नामक नरक में गिर पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में गिर पड़ता है, तो कहीं अग्नि से तप्त तामनमय नरक में गिर पड़ता है, कहीं अग्नि के अंगार समूह में गिर पड़ता है, तो कहीं महान धूप से व्याप्त नरक में गिर पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते हुए अंगारों की वृष्टि होने लगती है। कहीं लोह युक्त व्रज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, तो कहीं रुद्र की वृष्टि, कहीं गर्म जल की वर्षा और कहीं शस्त्रों की वृष्टि होती है। कभी भस्म सहित कर्दम की वर्षा होती है, तो कहीं वह गर्ता खंडों में प्रवेश करता है। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, तो कभी पर्वतों की कंदाराओं में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत गहरा अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कभी मवाद रुधिर और विष्ठा से भरे तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है, जिसकी कथा सुनने से डर उत्पन्न हो जाता है। तब देखने में कष्टकारक हो इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन है। यह मवाद रुधिर से बहने वाली है, हड्डियों से व्याप्त तट है, मांस और शोषण कर्दम से युक्त है, अथाय गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सिवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह नदी विलास काय घड़ियालों से भरी हुई है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवर्त है। हे गरुड़, पापियों को आया देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भयंकर कहार में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई से समान मुख वाले भयानक कीटों से चारों ओर से व्याप्त है। वृद्ध के समान कठोर चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशु मार्ग मगरमच्छ, जोंक, मछलियों, कछुओं तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात,
इस प्रकार उच्चारण करते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त की प्रभाव से व्याप्त है। महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा डरावनी है। उसको देखते मात्र से पापी मनुष्य चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी व्यक्तियों की रक्षा करने वाला कोई भी वहां नहीं है। नदी में अत्यंत आवर्तों से पापी सर्प पाताल को ले जाते हैं। क्षण मात्र पाताल में रहने वाले फिर क्षण मात्र नदी से के ऊपर आ जाते हैं। हे गरुण, वह नदी ऐसी ही पापी व्यक्तियों में के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी के पार का पता नहीं चलता और किसी से पार ही नहीं की जा सकती। ऐसी ही दुखदायी वैतरणी नदी का वर्णन किया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कलेश जिसमें ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी व्यक्ति कूप करते हैं हुए होते तथा दुखित होकर कोई पापी व्यक्ति पास से बंधे हुए, कोई अकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र से के अग्रभाव द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से हैं। इस प्रकार सब चलते हैं। किसी की नाक के अग्रभाग में पाश बांधकर, किसी के कान के पाश कान में पाश बांधकर और किसी का को काल पाश में से बांधकर खींचते हैं। ऐसी पापी गर्दन तथा हाथ पैर में जंजीर से बंधे हुए हैं तथा पीठ अपनी पीठ पर लोहे के भार को बंधे हुए मांग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद गरों से पीटे जाते हैं और मुख से खून की उल्टी करते हुए तथा वमन किए गए हुए खून को पुनः पीते हुए चलते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों का संस्मरण करते हुए व्यक्ति अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और बहुत ही दुखी होकर हम लोग जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि व्यक्ति पुत्र पौत्रादि का स्मरण करते हुए हाहाकार करते हुए और रोते हैं हुए पश्चाताप करते हैं। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भगवत गंधर्व की आराधना की मैंने की नहीं की। मैंने यह भूल की दान अग्नि में हवन तप देवताओं की पूजा विधि विधान से तीर्थों की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए के दंड मार्गों को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करती है। ब्रह्मांडों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया है। हे जीवात्मन, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी कूप तड़ागानी गादी नहीं खुदवाए और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अंतः ये जीवात्मा तुमने अपने ही किए गए कर्मों को भोगो। तुमने प्रतिदिन दान नहीं किए, गौओं के प्रतिदिन भरण पोषण का प्रबंध नहीं किया, वेदों और शास्त्रों के कथनों को प्रणाम नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उन्हीं दुष्कर्मों के परिणामों को अब भोगो। नारी जीवन भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति देव की हितकारी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, पति व्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को कभी गौरवोचित सम्मान प्रदान नहीं किया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसका अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की है और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीन प्रवेश करके अब उनका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमन जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहिन, जैसा किया है उसी के अनुसार फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से चांद्रयण व्रतों आदि
श्रवण नियमों के पालन करने से शरीर को नहीं सुखाया। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से अनेक प्रकारों के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी का शरीर प्राप्त किया था। हे गरुण, वह प्रेत अनेक तरह से प्रलाप करके पूर्व जन्म के लिए कर्मों का स्मरण करता है। वह सोचता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। वह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन एक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। इसके बाद 18वें दिन हे गरुण, वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है। वहाँ नयोगोत्र नामक एक राजा रहता है। यम के दूत सौम्यपुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत दुखी होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए गए सुख को याद करता है। जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सब का स्मरण करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब एकत्र होकर उसे उस प्रेत से इस प्रकार कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच कर रहा है। धन, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, नौकर आदि तुम्हारे भी कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है, इसलिए यमलोक के मार्ग चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि यात्रियों की शक्ति और संबल पाथे की ही होता है, जिसके लिए तुमसे प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चय रूप से उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते को पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह रास्ता तो बालकों को भी स्मरण रहता है। हे मनुष्य, क्या तूने इसे सुना नहीं था? क्या तूने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मधु गर्व से पीटा जाता है। हुआ यह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पार्श्वों से खींचा जाता है। इस पूर्व में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादियों के जो स्नेहवश तथा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया, उस पिंडदान को भोगता है। अदंतर सौरीपुर को जाता है। इस पूर्व में काल के रूप को धारण करके वाला जंगन नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर विश्राम चाहता है। उस मार्ग में प्रेत के पुत्रादियों के जो तैत्री पक्ष पिंडदान किया, उस अनन युक्त उदक को भक्षण कराता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है। उन्हें देखकर वह दुख से रोता हुआ है। निर्दय यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत दो मास में रोता हुआ तथा बांधवों के दिए हुए दो मासिक पिंडों और जल को भोग कर यमदूतों के पास द्वारा आगे बढ़ता है। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ तीसरे महीने को का पिंड खाकर आगे बढ़ता है। चौथे महीने में वह शैलागम नगर में पहुँचता है और वहाँ उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा अधिक मात्रा में होती है। वहाँ पर चौथे महीने के पिंड को खाकर वह सब कुछ अनुभव करता है। उसके बाद पांचवें महीने में वह कोचक नगर में जाता है। वहाँ हाथ में दिए हुए पांचवें महीने के पिंड को खाकर आगे पुरूरपुर को जाता है। साद्र पंचम महीने के बांधवों द्वारा प्रतप्त उन पाषाण मासिक पिंडों और घट दान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम करके यमदूतों द्वारा धमकाए जाने पर दुखों से कांपता हुआ इस पुर को छोड़कर चित भवन नामक पुर को प्रस्थान करता है। वहाँ पर यम का छोटा भाई विचित्र नामक
विचित्र नाम वाला राजा शासन करता है। इस पुर में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के दो भाई देखकर प्रेत डर से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत से के सामने आकर कहते हैं, महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास कोई पुण्य हो तो बताओ। हे प्रेतात्मा, तब के वेत्ता मुनियों के ने दान को देना है कहा है, जिससे वह यह वैतरणी नदी पास की जा सकती है, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी पड़ा है। यदि तुमने वैतरणी गाय का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेतात्मा कहती है, हे देव, उस प्रेतात्मा को देखकर वह नदी खोलने लगती है। नदी को खोलते देखकर वह प्रेतात्मा अत्यंत विलाप करने लगती है। जिनसे जीवन भर कभी दान नहीं किया ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबने लगता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुंह में से कांटा डालकर अपनी मछली की तरह उसे खींचते हुए नदी के पार ले जाते हैं। वह आठवें महीने के पिंड को खाता है और आगे बढ़ता है। नवे महीने में नाना कुंद नाम पुर को जाता है। इस पुर में तरह तरह के जीव बहुत ही दारुण भयानक शब्द उत्पन्न करते रहते हैं, जिनको देखकर वह शून्य हृदय से स्वयं ही दुखी होकर रोता रहता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेतात्मा उस पुर को छोड़कर दुख से दसवें महीने में सुतृप्त भवन को जाता है। वह वहाँ पर पुत्र आदि के पिंड दान और जलांजलि प्राप्त करके ही सुखी नहीं होता। ग्यारहवा महीना पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है। पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को वह वहाँ खाता है। 11.5 महीने व्यतीत होने पर वह जीवात्मा पयोवर्षन नामक नगर में जाता है। वहाँ पर जीवात्माओं को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुख वह जीव श्राद्ध में दिए हुए पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव शीतांग नामक नगर को जाता है। वहाँ पर बर्फ से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। वहाँ पर जीव शीत से होकर दुखी होकर और भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं की तरफ देखता है और सोचता जाता है कि मेरे बंधु बांधव दुख की निवृत्ति करें। तब यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ जो तुम्हारे दुखों को मिटाएं। उस पुर में द्वादश मास के पिंड को खाकर वह जीव कुछ धैर्य प्राप्त करता है। तंदर्त एक वर्ष बीत जाने पर यमलोक के पास बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देव का त्याग करता है। अंगुष्ठ पात्र हस्त प्रमाण देव का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के लिए हे गरुण, यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुण, परलोक में निमित्त जिससे दान नहीं किया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक पहुंचता है। हे गरुण, धर्मराजपुर में चार द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुम से वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर रास्ते में भूख प्यास श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतलाया दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यह मार्ग निरपुण नामक दूसरा अध्याय समाप्त।